जानना चाहता है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है क्या वो रिच है कि नहीं, क्या वो पैसे वाले हैं कि नहीं। अब ऑब्वियसली यू नो ये रीडिंग अप्लाई करता है वही लोगों को अप्लाई करता है कि जो सिंगल है और जो अभी शादी करना बाकी है जिसको। ओके, लेट्स से आपका पार्टनर ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है आपका, या यू नो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है, तो आप देख पाएंगे कि वो पार्टनर कैसा है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। ओके, बट यूजुअली दिस इज फॉर कि जिसको लाइफ पार्टनर ढूंढना बाकी है उनके लिए है ये वीडियो। बट यस यू नो आप अपने संतोष के लिए यू नो ये वीडियो देख सकते हैं कि आपके पार्टनर का लेवल कैसा होने वाला है, फाइनेंसिस कैसे होने वाले हैं, वो देखने के लिए भी आप देख सकते हैं ये वीडियो। अब यू नो इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं कि जो मुझे आपको पहले बतानी है। अब यू नो जैसे आपको पता है कि यू नो ये वीडियो डेफिनेटली पब्लिक वीडियो है, तो इसीलिए जनरल वीडियो है। यू नो मतलब आपसे कई अधिक लोग यू नो एक व्यक्ति से ज्यादा लोग ये वीडियो देखेंगे, और इसीलिए दिस इज अ जनरल रीडिंग। तो अगर आप अपने लिए स्पेसिफिक क्या होने वाला है, क्या एग्जैक्टली होगा, किस डायरेक्शन में आपको जाना है, अगर आपकी कोई एडिशनल सवाल है ये वीडियो देखने के बाद, तो आप मेरे पास पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ठीक है, उसकी लिंक नीचे रख छोड़ दी जाएगी। जैसे मैंने कहा यह वीडियो जनरल वाला रीडिंग है, तो इसीलिए यू नो इस वीडियो में कुछ बातें ऐसी हो सकती है कि जो आपको रेजोनेट हो सकती है, या आपको लग सकता है हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा तो नहीं हुआ है। ओके, तो कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। तो जो रेजोनेट होता है आपको एक्सेप्ट करना है, जो रेजोनेट नहीं होता है वो आपको लेट गो करना है। ओके, दूसरी बात, अब यू नो यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया जितने ज्यादा पॉइंट्स आपको रेजोनेट होते हैं, इट जस्ट टोटली डिपेंड्स कि आपने कितना परफेक्टली ऑप्शन चुना है। तो इसीलिए ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन बहुत ही अच्छी तरह से सटीकता से चुनना, दैट इज सुपर इम्पॉर्टेंट। ओके, अब यू नो यहाँ पर पहले ऑप्शंस देख लेते हैं ताकि आप ऑप्शंस अच्छी तरह से सिलेक्ट कर सके। अब जस्ट बिकॉज यहाँ पर हम यू नो रिच व्यक्ति की बात कर रहे हैं, रिच लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने पैसे लिए हुए हैं एज ऑप्शंस। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास 500 रुपए की नोट है। ओके, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। यस, ये नोटबंदी के बाद वाली 500 की नोट है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन वी हैव इज ये 5 रुपए का सिक्का है। ओके, एक बात का ध्यान रखें, यू नो अगर आपको लगता है कि 500 रुपए का नोट है तो आपका पार्टनर बहुत रिच होगा, 5 रुपए का सिक्का है तो आपका पार्टनर इतना रिच नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ओके, जस्ट बिकॉज यहाँ पर रिच पैसे वाले व्यक्ति की बात हो रही है, पैसे के रिलेटेड बातें हो रही है, इसीलिए मैंने पैसे अलग अलग रूप में लिए हुए हैं एज ऑप्शंस। ओके, लेकिन पैसे की यहाँ पर कीमत जो है दैट डज नॉट मीन कि आपका उतना ही हाई लेवल का पार्टनर होने वाला है, उतना ही पैसे वाला पार्टनर होने वाला है। ओके, ऑप्शंस के ऊपर से आपके पार्टनर का फाइनेंशियल स्टेटस आपको नहीं पता चलेगा। तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ये 100 रुपए का नोट है। ओके, वी हैव 100 रुपी नोट। फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास है, या यहाँ पर ये जो तीन है वो करेंसी नोट्स है, लेकिन ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारे पास ये चांदी का सिक्का है लक्ष्मी जी का। ओके, अब यस ये काफी अलग है दूसरे ऑप्शंस से, लेकिन ये ऑप्शन मैंने लिया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ ऑप्शन। तो अब यू नो ये चार ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आपको अपना ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है, यू नो जब भी आप जैसे ही आपको यू नो ये चारों ऑप्शन का एक क्लिप दिखाया जाएगा, एक फोटो दिखाया जाएगा, आपको यू नो अपना ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करेंगे, इस वीडियो को पहले तो पॉज कर देना है। दूसरी बात, वीडियो को जैसे ही पॉज करते हैं यू नो अपना जितना हो सके उतना टाइम लीजिए, यू नो आप अच्छे से टाइम निकाल कर आप अपने लिए ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपका रीडिंग बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। ओके, चांसेस है कि आपको एक से ज्यादा ऑप्शन आपका ध्यान खींच सकते हैं। ओके, तो आपको जितने ऑप्शंस आपका ध्यान खींचे आपको वो ऑप्शंस आपको कंसिडर करने हैं। यस, अगर ऐसा है तो भी यू नो वहां पर भी सेम चीज अप्लाई करती है, कुछ बातें रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। ठीक है, तो जो भी रेजोनेट करता है दैट इज द रीडिंग फॉर यू। ठीक है, सो ये बात है। अब ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है,
जैसे ही आप वीडियो को पॉज करते हैं आपको हर एक ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से देखना है। ओके, अब मुझे पता है यहाँ पर जो फोटो में इतना क्लैरिटी नहीं दिखेगा, ओके, इट इज नॉट गोइंग टू अपियर लाइक मतलब रेटिना स्क्रीन का डिस्प्ले जितना क्लियर नहीं होगा, हर एक ऑप्शन इतना मतलब उसके ऊपर की लिखावट इतनी क्लियर नहीं होगी, बट वट एवर द थिंग इज ऑप्शन जैसा भी दिखता है आपको देखना है, उसके ऊपर फोकस करना है और हर एक ऑप्शन पर 2 से 3 मिनट आप फोकस कीजिए, अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट इसको देखिए, फिर इसको देखिए, फिर इसको देखिए, हर एक ऑप्शन को 2 to 3 मिनट्स देना है। अब कैसे देखना है, देखना ऐसे नहीं कि जैसे आप त्राटक कर रहे हैं, यूजुअली ऐसा जब भी बोला जाता है कि ऑप्शन को देखना है तो ज्यादातर लोग उसे त्राटक समझ लेते हैं, पलके नहीं झपकाना है, पलके झपकाए बिना ऑप्शंस को देखना है, फिर आंखें बंद करना है, ऐसे कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको आप पलके झपका सकते हैं, दूसरा आप हर एक ऑप्शन पर मतलब अच्छे से समय दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, उसके बाद आंखें बंद कर लेना है। आंखें बंद हो जाने के बाद, आंखें बंद कर लेने के बाद आपको कोई एक ऑप्शन होगा कि आपका ध्यान बहुत ही अच्छे से आकर्षित करेगा, बहुत ही ज्यादा आपको फ्लैश करेगा, तो वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ओके, तो जी हाँ, वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। फिर इस वीडियो के नीचे आपको टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं, तो टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से आपको अपने ऑप्शन का वीडियो देखना है। ओके, एक ऑप्शन हो सकता है, एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, जी हाँ, तो ये थी सारी बात। और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि जस्ट बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपको एडिशनल क्वेश्चंस है कि अच्छा ये तो आपने बता दिया लेकिन इसमें क्या होगा, ये ऐसा ऐसा करेंगे तो क्या होगा वगैरह, अगर कुछ एडिशनल क्वेश्चंस है, कुछ ज्यादा सवाल अगर है आपको, तो आप मतलब मेरे पास पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग करवा सकते हैं। इट इज अ सुपर इजी थिंग, आप ऑनलाइन फोन कॉल के द्वारा या वीडियो कॉल के द्वारा, व्हाट्सएप के चैट के द्वारा आप मेरे पास ये रीडिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग कैसे बुक करना है उसका लिंक इस वीडियो के नीचे आपके लिए रख दूंगी। ठीक है, इट्स वेरी बहुत ही एक फनी बात है, किसी ने मुझे मैसेज किया था और उन्होंने बताया कि प्रीति मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैंने बताया ठीक है, तो उन्होंने बताया कि आपसे टैरो करवाना है। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है आप यहाँ पे जाइए, ये वाले लिंक पे, यहाँ पर आपको टैरो रीडिंग बुक करना है, तो उन्होंने बताया अच्छा तो फ्री में नहीं है। सो समहाउ फिर मैंने पूछा क्या आप अपना जॉब फ्री में करोगे बिना सैलरी लिए, तो फिर उनका जवाब आ गया ओके, मैं समझ गई। सो दिस इज हाउ थिंग इज, ज्यादातर सबको लगता है कि किसी का जो काम है वो तो उनको फ्री में करना चाहिए, लेकिन खुद को सैलरी अच्छे से चाहिए जब काम कर रहे तब। ओके, सो यस, आप भी इसीलिए मतलब डोंट टेक इट लाइक लाइटली, डोंट टेक इट जस्ट फॉर ग्रांटेड। अगर ये भी इतना भी आपको फ्री में मिल रहा है, इट इज लाइक इट इज समथिंग गुड, मेरी तरफ से कुछ है कि जो मैं फ्री में दे रही हूँ, तो इसीलिए आपको फ्री में मिल रहा है। कि इससे ज्यादा अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको टैरो रीडिंग बुक करवाना पड़ेगा। ठीक है, सो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए सारे के सारे ऑप्शंस आपके लिए हैं यहाँ पर। चलिए, अब अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ये 500 रुपए का नोट अगर आपने सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स बता रहे हैं आपके हस्बैंड, आपके जो लाइफ पार्टनर है, हस्बैंड या वाइफ जो भी है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर ये जो सारे कार्ड्स है, वी आर जस्ट गोइंग टू गेट इन टू इट वन बाई वन। ठीक है, वन बाई एक के बाद एक हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सी, जस्ट इन केस अब यहाँ पर आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लेट्स से कि आपके लाइफ पार्टनर का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है ये आपको पता चल गया, लेट्स से वो इतना अच्छा नहीं है, तो आप निराश होकर ये वीडियो छोड़कर चले जाएंगे कि अरे भाई ये कैसा रीडिंग है, गॉड ऐसा मतलब मिलियनेयर नहीं है। तो भाई अगर फाइनेंशियल स्टेटस मिलियनेयर वाला नहीं आया है, फिर भी भाई देख लो वीडियो पूरा का पूरा देख लो, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहने वाला है, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, वो सबके जवाब भी आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिलेंगे। यस, बिकॉज मैं आपको निराश नहीं छोड़ सकती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ये कार्ड है। सी,
ये वाला कार्ड बताता है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आपके लाइफ पार्टनर का जो फाइनेंशियल स्टेटस है, वो कैसे कैसे बहुत अच्छा बनेगा, कैसे बहुत ही सिक्योर बनेगा. तो दैट इज गोइंग टू बी बाय सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. ओके, यस, बहुत ज्यादा पैसे हर बार लोग नहीं कमाते हैं. हर बार लोग पैसे बचा बचा कर भी अपना फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा बना सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग. और या एक बात है कि यहाँ पर आपका और आपके पार्टनर का जो फाइनेंशियल स्टेटस है, इतना ज्यादा क्लियर नहीं है. पहली बात हो सकती है बिकॉज ये इतना क्लियरली आपको बताना नहीं चाहते उनका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है. ओके, दूसरी बात ये है कि भले उन्होंने उन्होंने अपने लिए फाइनेंशियल बचाए जरूर होंगे, लेकिन फिर भी उन फाइनेंसिस के मामले में ये काफी कच्चे हैं. काफी ज्यादा इनको सीखना आवश्यक है कि कैसे इनको अपने पैसे बचाने हैं, कैसे इनको अपने पैसे या पैसे इन्वेस्ट करना है. इनको अभी इतना आइडिया नहीं है और इनका मतलब काफी ज्यादा पैसे में हम बोलते हैं मतलब ओपन हैंड बहुत बहुत ही ईजिली स्पेंड कर देते हैं, तो ये इनकी हैबिट हो सकती है. ओके, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा बातें ऐसी बताई गई है कि किस तरह से आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस आपका आपके पार्टनर के साथ एक बार आप आ जाए तो उसके बाद आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस कैसे सुधार सकते हैं, कैसे रिच बन सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ पर सॉल्यूशंस दिए हैं. तो सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन है डोमेस्टिक हार्मनी. पैसे इतने अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, फाइनेंसेस बहुत ही अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं. सिर्फ ऐसा नहीं कि मतलब कि आपके आपका लक बहुत अच्छा है इसीलिए बहुत ज्यादा पैसे आपके लाइफ में आ रहे हैं. जी नहीं, नॉट जस्ट दैट. फर्स्ट थिंग इज आपका डोमेस्टिकली आपकी लाइफ में हार्मनी होनी चाहिए. मतलब अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ आपको अच्छी तरह से सुखी सुख शांति से जीना है. काफी लोग होते हैं कि जो हमेशा कुड़ कुड़ करके झगड़ा करके रहते हैं. ऐसा बताया गया है काफी ज्यादा ऐसा कि लक्ष्मी जी को ज्यादा मतलब टेंस्ड माहौल पसंद नहीं है. लक्ष्मी जी को शांति और सुकून पसंद है. तो दैट इज वाई डोमेस्टिक हार्मनी, अपने पार्टनर के साथ जितना आप सुकून और शांति बनाए रखेंगे उतना आपकी लाइफ में, उतना आपके जीवन में फाइनेंसेस आएंगे. ओके, इंडिविजुअलिटी दूसरी बात है. इंडिविजुअलिटी, आप दोनों एक अलग इंडिविजुअल है तो इसीलिए अब एक दूसरे के ऊपर ज्यादा आप एक दूसरे के ऊपर ज्यादा आप हक मत जमाओ. यस, अब पार्टनर है तो आप हक तो जमाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन लाइफ पार्टनर है और आप पूरी तरह से हक जमाते हैं. आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो है पूरी तरह से आपके हिसाब से कंट्रोल, आपके कंट्रोल के हिसाब से वो चलने चाहिए, तो वो गलत बात है. ओके, उनको उनको खुद के मतलब वो जिस तरह के व्यक्ति है उस तरह का व्यक्ति उनको बने रहने दीजिए. आपको उनको बदलने का प्रयास नहीं करना है. ये कार्ड्स को देखते हैं. जी हाँ, सी यहाँ पर सी कई बार होता है कि लोगों को बहुत ज्यादा पैसे वाला पार्टनर चाहिए, बट द थिंग इज पैसे इतने आसानी से हर एक व्यक्ति कोई करोड़पति के घर में जन्मा नहीं होता है. और ऐसा भी नहीं होता है कि अगर आप अपने अगर आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं है, मतलब कि आप लाइफ टाइम आपका फाइनेंशियल स्टेटस सुधार ही नहीं पाएंगे, ऐसा भी नहीं है. आप अपने हार्ड वर्क के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा अपना फाइनेंशियल स्टेटस सुधार सकते हैं. ये आप जब भी मतलब ये कुछ ऐसे वीडियोस देखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले वीडियोस, फिर कुछ सबकॉन्शियस माइंड वाले वीडियोस देखेंगे, तो वहां पे बताया जाता है कि पैसे कमाना आसान है. मतलब ऐसे नहीं कि आप हार्ड वर्क करोगे उसी के बाद पैसे आएंगे. ओके, तो इस विचार की वजह से लोगों ने हार्ड वर्क वाला फैक्टर ही उन्होंने मतलब मन से निकाल दिया है कि हार्ड वर्क नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे चुटकी बजाकर पैसे कहां से आएंगे उसके सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं. भाई, चुटकी बजाकर किसी के लाइफ में पैसे नहीं आते. ओके, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. ओके, तो वो है यस, आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करना है. आपके जो ड्रीम्स है उसके उस रास्ते से आपका फाइनेंशियल अबंडेंस बढ़ेगा. ओके, द सेकेंड थिंग इज
यू नो ट्रैवल करने से ऐसा होता है, यू नो हम बोलते हैं ना, मतलब कि कुएं का मेढक, अगर आप एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, एक ही माहौल में अगर आप यू नो पड़े रहते हैं, तो वहां का आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आप कुएं के मेढक की तरह बन जाते हैं। कुएं के मेढक को पता ही नहीं कि उसके कुएं के बाहर की दुनिया क्या है, उसको लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो कुआं ही है। ओके, तो इसीलिए अगर आपको अपना पर्सपेक्टिव बढ़ाना है, अगर दुनिया के प्रति दुनियादारी का जो नॉलेज है वो अगर आप गेन करना चाहते हैं, तो आपको यू नो ट्रैवल करना पड़ेगा। ओके, ट्रैवल करना पड़ेगा, हो सकता है किसी दूसरे स्टेट में या फिर किसी दूसरी कंट्री में आपको लोकेट करना पड़ेगा। ओके, तो ये है, और जिसके बाद यू नो आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस बढ़ेगा। और ये वाला कार्ड कहता है, सी आप दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस, दोनों साथ में रहकर, साथ में हार्डवर्क करके जब आप मेहनत करोगे, तब चलकर आपका फाइनेंशियल स्टेटस सुधरेगा। बाकी बहुत ज्यादा लोग होते हैं जिसको चाहिए कि लाइफ पार्टनर आने चाहिए, करोड़पति होने चाहिए, यू नो, ताकि आपकी लाइफ आसान हो जाए, ऐसा आपको लगना चाहिए, मतलब ताकि आपकी लाइफ मतलब बिना कुछ किए आसान हो जाए, ऐसा आपके लिए आपके साथ होना चाहिए। इसके बाद ये दो कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स बताते हैं कि यस, यू नो ये कार्ड बताता है कि आप दोनों एक साथ जब आएंगे तो आपका नसीब खुलेगा और यू नो आपकी लाइफ में अबंडेंस आना शुरू हो जाएगा। अब यू नो आप कहेंगे, अरे भाई ये कैसा है, यू नो मतलब कि आपको कैसे पता चले कि सच में अबंडेंस बढ़ेगा। सी यहाँ पर अगर बोला गया है तो बढ़ेगा अबंडेंस, लेकिन आप एक बार शादी कर लेंगे, आपकी शादी करने से यू नो आप जब अपने पार्टनर की लाइफ में जाएंगे, वहां से यू नो आप दोनों का लक ओपन होगा। ओके, काफी ज्यादा लोग होते हैं जिनको भरोसा नहीं होता है, बोलते हैं कि मतलब क्या करें, मतलब कि शादी कर दी और फिर भी अबंडेंस नहीं आया, तो भाई आएगा, बिकॉज यहाँ पर इस कार्ड में बताया गया है। ओके, दूसरी एक बात आपको बताऊं, सी एक तो है कि शादीशुदा जो जिंदगी है उसमें यू नो जब भी आप किसी अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, तो यूनिवर्स में यू नो ये जो है ये अकाउंट, यस ये रजिस्टर होता है कि इस व्यक्ति का इसके साथ शादी हुआ है। ओके, सो दैट इज वेयर यू नो यूनिवर्स अपने आप यू नो आपका गृह संसार, आपका जो भी घर है, घर संसार शुरू हो जाए। घर संसार के लिए आपके पास पैसे, जरूरती चीजें होने चाहिए, वो सबके लिए आपके पास पैसे भेजना शुरू करेगा, आपके पास काम भी भेजना शुरू कर सकता है इनडायरेक्टली, ताकि वो काम आप करो और बदले में आपको पैसे मिले। ओके, तो ये है, काफी ज्यादा यू नो पुरुष होते हैं कि जो जब शादी करते हैं एकदम से उनका गुड लक, मतलब एकदम से उनका उनका मतलब यू नो एक आपने पता नहीं कई बार देखा होगा कि उनका मतलब एकदम से आप इतना ज्यादा वो स्ट्रगल कर रहे थे, और जैसे ही शादी की यू नो कोई स्त्री उनके उनके लाइफ में आई और एकदम से उनका नसीब चमक गया। ओके, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, यू नो हर एक पुरुष के लिए अगर वो अपने घर में बीवी को लेकर आता है तो उसकी जो वाइफ है उसको गृह लक्ष्मी कहा गया है। तो यू नो समहाउ आपकी जो वाइफ है वो एक गृह लक्ष्मी की तरह है कि जब आपकी लाइफ में आती है तो आपके जीवन में यू नो लक्ष्मी का प्रवेश होता है। सो यू नो कई बार लोग होते हैं दे डोंट वैल्यू इट, तो इसीलिए इसको जरा भी लाइटली नहीं लेना है। एट द सेम टाइम स्त्री भी यू नो जब शादी करती है तो यू नो उसका जो पार्टनर होता है, यस यू नो हर एक हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, हस्बैंड जो होते हैं वो नारायण स्वरूप होते हैं और वाइफ जो होती है वो लक्ष्मी स्वरूप होती है।
तो अगर आप स्त्री है और अपने पार्टनर आपको अपने पार्टनर को नारायण के माफक आपको उनको रिस्पेक्ट भी करना है। ऐसे नहीं कि मतलब आप स्त्री है तो आप ही को सारा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, आपके हस्बैंड को भी आपको रिस्पेक्ट करना है। जब आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, दोनों अपने रिश्ते को रिस्पेक्ट करेंगे, तब चलकर आपके रिश्ते के माध्यम से आपको अपना लाइफ का अबंडेंस मिलेगा। ओके, और ये वाला जो कार्ड है ये कहता है कि अगर आपके कोई गुरु है, आपने जो किए हुए हैं, अगर कोई गुरु है, कोई आपके बुजुर्ग है, जिसको आप गुरु के माफक आप गिनते हैं, तो उनका कहना आपको मानना है, उनके कहने के हिसाब से आपको चलना है। सेकेंड थिंग इज, कोई आपके नजदीक में कोई व्यक्ति है कि जिसके पास इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा नॉलेज है, उस व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट का नॉलेज, आपको उस नॉलेज को फॉलो करना है ताकि आपके अंदर इन्वेस्टमेंट का नॉलेज बढ़े, आपके अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आप लग्जूरियस लाइफ अगर जीना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, इट्स नॉट जस्ट ओनली कि आप अट्रैक्ट करते रहते हैं बहुत सारे पैसे अट्रैक्ट करने से कुछ नहीं होगा, आपको उस पैसों को अच्छी तरह से इन्वेस्ट करना भी आना चाहिए। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको काम आया। ओके, मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइए नीचे इस वीडियो के नीचे कि आपको इस वीडियो की कौन कौन सी बातें रेजोनेट करती हुई लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ये 5 रुपए का सिक्का अगर आपने सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है, यहाँ पर याद रखिए, यह रीडिंग के इस मामले में हमने काम कर रहे हैं कि आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर, रिच व्यक्ति है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर ये सारे कार्ड्स में हमको जवाब मिलेगा कि अगर आपके पार्टनर रिच है कि नहीं, रिच है तो किस लेवल पर रिच है और कैसे रिच बन सकते हैं, उसके मामले में, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, सो जी हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास ये दो कार्ड्स है। ये वाला कार्ड कहता है कि आपके जो पार्टनर है बहुत ज्यादा पॉजिटिव व्यक्ति है, बहुत ही ज्यादा उनके आने से, आपका लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आए, उसके उनके आने से आपका पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपके लाइफ में सुख शांति बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। सो दिस इज लाइक अब सिर्फ रिच होने से कुछ नहीं होता। अगर आपका लेट्स से कि आपका लाइफ पार्टनर बहुत ज्यादा रिच है, लेकिन जैसे ही आप एक दूसरे की लाइफ में आते हैं, आप बहुत ही दुखी है, हर रोज दुखी है आप हर रोज डिप्रेस्ड रहते हैं, आपके पार्टनर डिप्रेस्ड रहते हैं, घर में कोई खुशियां नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपको ऐसा रिच पार्टनर नहीं चाहिए, राइट? आपको रिच होने के साथ साथ आपको लाइफ में खुशियां भी चाहिए। सो दैट इज वाई दिस इज द फर्स्ट थिंग कि आपके लाइफ पार्टनर के आपके जीवन में आने से आपकी खुशियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। दूसरी बात है आप स्पिरिचुअलिटी में जितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, दिस इज अ लेवल ऑफ स्पिरिचुअल पार्टनरशिप। आप स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ आपको रहकर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है। स्पिरिचुअलिटी मतलब आप मेडिटेशन करो, योगा प्राणायाम वगैरह करो, काफी ज्यादा और अलग अलग प्रैक्टिसेस होती है कि जो आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के रूप में आप मान सकते हैं, जैसे कि आप कोई आध्यात्मिक किताबें पढ़ सकते हैं, कोई रिचुअल्स है वो कर सकते हैं, तो वो सब करने से आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं। तो दोनों को साथ में प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना है। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप दोनों का रिलेशनशिप भी इसीलिए बना है कि आप आध्यात्मिक लेवल पर आगे बढ़ सके। ओके, सी काफी ज्यादा हस्बैंड वाइफ होते हैं, काफी ज्यादा लाइफ पार्टनर्स होते हैं कि जो
अपने हिसाब से यू नो कुछ लेवल का लर्निंग लेकर आए हैं, कुछ लेवल का यू नो अपनी लाइफ में कुछ कंप्लीट करने के लिए आए हैं। तो आपके लिए है कि आप अपना स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ने के लिए आप दोनों एक दूसरे के साथ आए हुए हैं। दिस कार्ड ऑल्सो सेज द सेम थिंग, आपको जितना आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे आध्यात्मिक मार्ग पर, उतना ज्यादा आपकी लाइफ में यू नो फाइनेंशियल मैटर्स में स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा। आप कहेंगे अरे ये कैसे पॉसिबल है, आध्यात्मिक लोग होते हैं उनको तो पैसे बिल्कुल पसंद नहीं है। सी ऐसा पहले माना जाता था यू नो कि अगर आपको आध्यात्मिक तान में आगे बढ़ना है तो आपको मटीरियलिस्टिक लाइफ में, आपको भौतिक जीवन में यू नो ज्यादा सुख शांति को त्याग देना है, बिकॉज अगर मोह माया आपकी रह गई है तो आध्यात्मिक लेवल में आगे कैसे बढ़ोगे। ओके सो दिस वॉज अ थिंग, बट यू नो सबसे बेस्ट यू नो जो भगवद गीता में लॉर्ड कृष्णा ने यू नो जो अर्जुन को बताया कि ऐसे बहुत ज्यादा योगी है कि जो संसार त्याग कर, घर संसार त्याग कर यू नो जंगलों में जाते हैं उनको ढूंढने के लिए, गॉड को ढूंढने के लिए। लेकिन गॉड किसको मिलते हैं यू नो, गॉड तो मतलब गोपियों की, जो गोपियों या कृष्ण जी जो है वो किनके हृदय में निवास करते हैं, किनके हृदय में वास करते हैं, मतलब गोपियां जो होती है, गोपियां यू नो उनके लिए प्रेम से माखन बनाकर लाती थी, तो गोपियों के दुपट्टे के ऊपर गॉड बैठ जाते थे। एंड जो योगी है कि जो पूरा घर संसार त्याग कर करके जंगलों में कितने ही ज्यादा मतलब कड़ी तपस्या कर करके, दुखों से गुजर के तपस्या करके वो गॉड को हासिल करने का प्रयास करते थे और उनको यू नो गॉड का कुछ भी पता नहीं चलता था, लेकिन गोपियों को बहुत ही आसानी से गॉड मिल गए। क्यों? क्योंकि वो यू नो अपनी लाइफ में दे वर नॉट अबैंडनिंग एनीथिंग, वो अपने जीवन में किसी भी चीज का त्याग नहीं कर रहे थे, उनकी संसारी जीवन भी वो जी रहे थे और साथ ही में यू नो वो कृष्ण की भक्ति भी करते थे। तो इसीलिए कृष्ण जी ने बोला है भगवद गीता में कि उनको सबसे ज्यादा ऐसे भक्त पसंद है कि जो इस दुनिया में रहकर भी उनको याद करते हैं। ओके, संसारी जीवन में रहकर उनको याद करते हैं। यस, आपके जो पार्टनर है वो काफी ज्यादा यू नो मतलब फाइनेंशियली आप स्टेबल बोल सकते हैं, यू नो फाइनेंशियली स्टेबल हो बोल सकते हैं। यू कैन नॉट से कि बहुत ज्यादा रईस होंगे, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल होंगे जस्ट बिकॉज ये लोगों को पैसों की हेल्प भी करते हैं, लोगों को डोनेशन भी करते हैं, लोगों को चैरिटी भी करते हैं। ओके, तो जी हाँ, वो एक बात है। और ये जो कार्ड है यस यू नो आपको अपने पार्टनर के साथ रहकर अपना जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है उसको बैलेंस में लाना है। कैसे उसको बैलेंस में लाएंगे? सी स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में, जब आप मेडिटेशन करते हैं आपके भीतर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस्ड होती है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ, सी जो सिंगल व्यक्ति है उसके लिए अपना मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर को एक्सेप्ट करते हैं यू नो, तो आपका, अगर आप स्त्री है तो आपके जो लाइफ पार्टनर है वो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस कर देंगे। अगर आप पुरुष हैं और आप अपनी लाइफ में यू नो वाइफ को एक्सेप्ट करते हैं यू नो, अपनी गर्लफ्रेंड को एक्सेप्ट करते हैं स्पेशली कमिटेड पार्टनरशिप में, वहां पर यू नो आपके जो पार्टनर है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, आपकी जो वाइफ है, वो यू नो आपके भीतर की फेमिनिन शक्ति को बैलेंस करती है। और इसीलिए इट इज सुपर इम्पॉर्टेंट आप अपने लाइफ में पार्टनर को लाओ कि जो आपके भीतर की मैस्कुलिन या फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करेंगे। हर एक व्यक्ति के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज होती है। मैस्कुलिन एनर्जीज पुरुषों में बैलेंस करना, पुरुषों के लिए मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना बहुत आसान होता है, स्त्रियों के लिए अपनी फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करना आसान होता है। ओके सो यस यू नो लेट्स से अगर आप अपने, अगर आप किसी डिवोर्स्ड पार्टनर से शादी करते हैं तो शायद वहां पे यू नो काफी ज्यादा लग्जूरियस आपको लाइफस्टाइल मिल सकती है, काफी ज्यादा पैसे वैसे लेकर ये पार्टनर आपके घर में आ सकते हैं। ओके और ये जो कार्ड है ये कहता है यस यू नो आपको कोई आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा कि जो बहुत ही ज्यादा चार्मिंग है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है और पैशनेट है, और इनके साथ यू नो जब रहकर आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करेंगे तब यू नो आपके लिए फाइनेंसेस को अट्रैक्ट करना, फाइनेंसेस को स्टेबलाइज करना और फाइनेंसेस को यू नो कभी कभी डोनेशन करना, चैरिटी करना भी आपके लिए, आपके साथ पॉसिबल हो जाएगा। ओके सो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपकी मदद कर पाया।
यू नो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए ये वीडियो ने आपकी कैसे मदद की। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए तो अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, यू नो ये 100 रुपए का नोट अगर आपने सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर जो बात बताई गई है कि आपका जो लाइफ पार्टनर के साथ का जो रिलेशनशिप होगा वो इमोशनली अबंडेंट होगा। ओके, यस, पैसे के आधार पर आपको जानना है कि अबंडेंस बहुत ज्यादा रईस आपके पार्टनर होंगे कि नहीं। तो यू नो सबसे पहले आपके पार्टनर के साथ इमोशनली बहुत ज्यादा अबंडेंस वाला रिलेशनशिप रहेगा, और इमोशनली अगर आप बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ समझ कर रहते हैं, एक बार आपके लाइफ में बच्चे हो जाए उसके बाद यू नो आपके आपका फाइनेंशियल अबंडेंस बढ़ेगा। यस, उतना ज्यादा आप रईस नहीं होंगे तो फिर भी यू नो आप दूसरों को पैसे की हेल्प कर सके, आप दूसरों को यू नो चैरिटी दे सके, लोन दे सके, उतने तो पैसे आपके पास आ ही जाएंगे आपके और आपके पार्टनर के पास। ओके, और यस ये वाला कार्ड कहता है कि आपको यस बैलेंस में रहना पड़ेगा, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, और इसीलिए पैसे हमेशा संभल कर यूज करने हैं। अगर डोनेशन भी कर रहे हैं तो बहुत ही अधिक डोनेशन भी नहीं करना है। ओके, बिकॉज पैसे में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। दूसरा, आपका जो टेंपर है, आपका जो गुस्सा है, उसको भी आपको यू नो कंट्रोल में रखना है। फिर कई बार आपका गुस्सा भी अगर आप कंट्रोल में रखें, आप अपना ईगो, यस ईगो को अगर आप कंट्रोल में रखें, तो भी आपको अपनी लाइफ में यू नो पैसे आपकी लाइफ में फ्लॉलेसली आएंगे। ये दो कार्ड्स को देखो, यहाँ पर पहले तो स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड जब भी आता है तो वो कठिन परिस्थिति दिखाता है, मतलब पैसे इतनी आसानी से नहीं आएंगे लेकिन आएंगे जरूर। ओके, सी ये बात यू नो इतने ज्यादा लोगों को सुनना अच्छा नहीं लगता है, सबको ऐसा चाहिए कि भाई ऐसे आसानी से पैसे आने चाहिए, हार्ड वर्क से नहीं आने चाहिए। सी हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, यू नो आप दुनिया के जितने भी सबसे अमीर जो पैसे वाले लोग हैं उनको देखते हैं, सभी लोग हार्ड वर्क कर करके पहुंचे हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं भाई इन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया, भाई बिगिनर लेवल पर अगर उन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया तभी उनको यू नो अपने नीचे ऐसे एम्प्लॉयज उन्होंने रखे कि जिससे उनको थोड़ा सा फ्रीडम मिला। ओके, तो इसीलिए हार्ड वर्क का कोई सोल्यूशन नहीं है, हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं है, इट हैज टू बी डन। ओके, तो ये कार्ड कहता है कि यू नो ये जो कार्ड है ये कहता है कि जब भी आपकी लाइफ में पैसे के रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको इंटेलेक्चुअली अपने इंटेलिजेंस यूज करके उसको उसके साथ डील करना है। ओके, बिकॉज काफी ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स है यू नो जब भी मनी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं तो लोग बावरे हो जाते हैं, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि भाई अब क्या करेंगे, यू नो मतलब ये तो हम हैंडल नहीं कर सकते हैं। ओके, सो नो नॉट एग्जैक्टली, यू नो आपको उसको इंटेलिजेंटली यूज इंटेलिजेंटली उस समय के साथ टैकल करना है। ओके, उसके बाद हमारे पास ये कार्ड्स है कम्युनिकेशन मॉडरेशन। कई बार यू नो कुछ लोगों की एक वीकनेस होती है कि कम्युनिकेशन, बात इतना ज्यादा बात करते रहते हैं कि बात कर करके यू नो अपना वो सारा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो सारा व्यथित कर देते हैं, लोगों में बांट देते हैं इन द सेंस यू नो मैनिफेस्टेशन एनर्जी है उसे डिस्पर्स कर देते हैं, विच इज नॉट गुड। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन एनर्जी, पैसे की जो मैनिफेस्टेशन एनर्जी है उसको अगर आप कंजर्व करना चाहते हैं तो आपको यू नो अपना कम्युनिकेशन के ऊपर मॉडरेशन लाना पड़ेगा। कई बार कुछ लोगों की हैबिट होती है कि यस कम्युनिकेशन इतना ज्यादा बात करते हैं जो नहीं बताना है वो भी बता देते हैं, भाई आप ही का नुकसान होता है वहां पे। सो दैट इज वाई डोंट कम्युनिकेट टू मच, जितना जरूरी है उतनी ही बात करनी है। उसके बाद ये कार्ड है कि आपके हिस्से के जो पैसे हैं, यू नो ये चांसेस है कि आपका प्रॉपर्टी का कोई इश्यू हो सकता है, प्रॉपर्टी का जो इश्यू है वहां पर आपको लड़ना पड़ सकता है, लड़ने के बाद यू नो आप काफी ज्यादा यू नो आपकी लाइफ में पैसे फाइनेंशियल आ सकते हैं। आई कांट से कि आप बहुत ज्यादा रईस हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा प्रॉपर्टी का इश्यू है कि जो सॉल्व हो जाने के बाद आपकी लाइफ में काफी ज्यादा लग्जरी आ सकती है। ओके, लग्जूरियस लाइफ आ सकती है।
उसके साथ साथ यू नो आपको थोड़ा सा यू नो अथॉरिटेटिव भी आपको रहना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको यस यू नो थोड़ा सा आपको इन कंट्रोल लीडरशिप के रोल में रहना पड़ेगा। अगर आपके पास लेट्स से यू नो आपके पास गुड अमाउंट ऑफ अच्छे खासे पैसे हैं, तो वो पैसे आएंगे तो आप कैसे बनेंगे ना, आप क्या उसे बहुत ही बेदरकारी से आप इस्तेमाल कर देंगे या फिर आप कैसे बनेंगे। तो एक लीडरशिप का एक यू नो पावर एक आपके अंदर होना चाहिए, एक डोमिनेटिंग पावर आपके अंदर होना चाहिए, प्रोटेक्टिव पावर के जो जहां पर आप यू नो अपने पैसे यस आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आपका एक और एक क्वालिटी होना चाहिए कि आप ज्यादा मतलब बेदरकारी से उस पैसे को गंवाना भी नहीं चाहते हैं। ओके तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपकी मदद कर पाया। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए यू नो कि ये वीडियो ने आपकी कैसे मदद की। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको ये वीडियो की अच्छी बातें पता चल पाए। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए, यू नो जैसे मैंने कहा ये जनरल रीडिंग है, आपको खुद के लिए पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे वो आपके यस इस वीडियो के नीचे पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करने के लिए लिंक रखा गया है। डेफिनेटली जस्ट गो अहेड एंड चेक दैट आउट, वहां से आप बुक कर सकते हैं। और यहाँ मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए तो पर अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, लक्ष्मी जी का चांदी का सिक्का अगर आपने सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं आपके जो लाइफ पार्टनर है वो क्या एक रिच पर्सन एक धनिक व्यक्ति होने वाले हैं कि नहीं। ओके तो लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पर जो बताया गया है ये दो कार्ड में, आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है इमोशनली बहुत ज्यादा अबंडेंट है। ओके आप दोनों को एक दूसरे के लिए इमोशंस बहुत ज्यादा होने वाले हैं। यस मतलब कि यू नो आपका रिलेशनशिप है वो पैसों के बेसिस पर नहीं, आपका रिलेशनशिप इमोशंस के बेसिस पर है। कई बार यू नो लोग आज तो पता नहीं यू नो क्या मतलब डेफिनेशन हो गया है रिलेशनशिप का, मतलब पार्टनर के पास बहुत ज्यादा पैसे है तो शादी कर दो, यू नो मतलब That's a total bullshit notion, you know. Partner को life partner किस आधार पर select करना है, उनके लिए जो feelings है उसके आधार पर। okay? अगर आप दोनों का मन match होता है उसके आधार पर शादी करनी है, इस आधार पर नहीं कि भाई बहुत सारा पैसे होने चाहिए partner के पास। That being said, ऐसा भी नहीं है कि partner के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, you know, बिल्कुल आप रास्ते पर चलते हुए भिखारी के साथ आप शादी नहीं करोगे, right? सो दैट जस्ट मीन्स कि आपका जितना लेवल होगा आप उसी लेवल का पार्टनर तो डेफिनेटली सिलेक्ट कर लोगे। बट जस्ट लुकिंग एट अ पार्टनर, आप सिर्फ अपने पार्टनर को उसके पैसों के बेसिस पर सिलेक्ट करते हो, जो आज का ट्रेंड है यू नो वो बिल्कुल गलत ट्रेंड है। ओके तो यस यहाँ पर बताया गया है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो इमोशंस के बेसिस पर बना हुआ रिलेशनशिप है, विच इज अ गुड थिंग। दूसरा यहाँ पर हमारे पास ये दो कार्ड्स है, there is a better choice, not seeing things clearly, running away from the truth. You know, ये जो कार्ड है यहाँ पर शायद अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अगर आपके लाइफ में वो पार्टनर नहीं आए हैं, और अगर आप ये रीडिंग देख लेते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा यार मतलब ऐसा तो क्या है, मतलब ऐसा पार्टनर थोड़ी चलेगा, यू नो जिसके पास ज्यादा पैसे हो उसके पास जाओ, तो आपको ऐसी इच्छा ज्यादा होगी कि आप अपने पार्टनर को छोड़कर किसी दूसरे धनिक व्यक्ति को चुनो। ओके आप भले ही भागेंगे लेकिन आप सच्चाई से भाग नहीं सकते हो, वो भी ये कार्ड बता रहा है। ओके ये जो कार्ड है ये बताता है आपका जो पार्टनर है बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस्ड है, और यू नो यस ये चांसेस भी हो सकते हैं कि यू नो आप अपने पार्टनर को और ज्यादा डिस्टर्ब कर दो, तो दोनों के इमोशंस भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपके पार्टनर टोटली इमोशंस से वंचित भी हो सकते हैं। ओके तो रिलेशनशिप में इमोशंस बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भागने का प्रयास करते हैं रिलेशनशिप में बार बार अपने पार्टनर से दूर जस्ट बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है, तो आप उनका जो रिस्पेक्ट है वो गुमा देंगे, और इसीलिए उनके जो भी सारे इमोशंस होंगे आपके लिए वो यू नो मतलब आप डिस्ट्रॉय कर देंगे, आप खत्म कर देंगे। ओके तो ऐसा नहीं करना है आपको, बट यू नो जस्ट बिकॉज यहाँ पर ये कार्ड है उसके आधार पर इट इज वेरी क्लियरली विजिबल के शायद आपने यू नो भागने का प्रयास कर भी लिया होगा अगर आप ऑलरेडी यू नो मैरिड है तो। ये तो कार्ड्स कहते हैं कंपैशन और स्पिरिचुअल करियर, आपका जो भी करियर है यू नो आपको स्पिरिचुअली उसको समझना है। अब डेफिनेटली जस्ट बिकॉज ये वीडियो कुछ लोग देखे डजंट मीन के सबका स्पिरिचुअल करियर होगा, या फिर यू नो जितने लोग देखेंगे वो सारे के सारे टैरो रीडर होंगे या एस्ट्रोलॉजर होंगे, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो भी ये व्यक्ति है यू नो उन आपका आपका जो भी पार्टनर है
स्पिरिचुअली उनको अपने करियर को एक्सेप्ट करना है, समझना है. यू नो, जब भी कोई भी करियर ऐसा होगा कि जब आप उसे समझते नहीं हैं, आप उससे दूर भागते हैं, यू नो, तब आपको वो करियर भारी लगने लग जाएगा और उसके साथ आप ज़्यादा कुछ कनेक्ट नहीं कर पाओगे. लेकिन आपको अपने करियर को समझना है, अपने करियर के साथ कनेक्ट होना है. कंपैशन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में. कंपैशन आप जितना रखोगे, इंसानियत रखना है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, उनके दर्द को समझना है, दैट इज कॉल्ड कंपैशन. जितना आप कंपैशनेटली अपने लोगों के साथ आप रहोगे, उतने आपकी लाइफ में पैसे ज़्यादा आएंगे. ओके, यस, आपको ये बहुत ज़्यादा गोल्डन नगेट्स में बता रही हूँ. ओके, कि जितना आप कंपैशनेटली बिहेव करोगे, उतना आपकी लाइफ में पैसे आते जाएंगे. ओके, और यहाँ पर लेट्स टेक दीज थ्री कार्ड्स. सी, ये कार्ड भी बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं भागकर चले जाएंगे. ऐसे आपकी आदत हो सकती है, ऐसा आपका यू नो इनर इंस्टिंक्ट हो सकता है. अब भागकर चले जाना मतलब क्या? तो पहला तो रिलेशनशिप से भागकर चले जाना, देयर आर चांसेस के पैसे नहीं है पार्टनर के पास, ऐसा पता आपको चले, इसीलिए आप यू नो उनसे छोड़कर उनको छोड़कर भाग जाते हैं, ये चांसेस है. दूसरा चांसेस ये है कि आप अपने पार्टनर को इसीलिए छोड़कर जा सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली पार्टनर को छोड़कर, लेकिन आपका ये इंस्टिंक्ट हो सकता है कि संसारी मोह माया छोड़कर आपको कहीं दूर चले जाना है. तो ये हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ भी दोनों मिलकर आप यू नो आपको ऐसी इच्छा हो जाए कि आप संसारी मोह माया से छुटकारा पाकर आप कहीं पर भाग जाए. तो ये आपका स्पिरिचुअल सर्च आपका हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ऐसी इच्छा हो सकती है. दूसरा कार्ड हमारे पास यहाँ पर यस कुछ है कि जो मैंने कवर अप किया हुआ है. अब यस, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे होते हैं यूट्यूब पर कि जो यू नो कुछ तरह के इमेजेस मैं नहीं दिखा सकती हूँ, इसीलिए ये वाला इमेज नहीं दिखा रही हूँ. सो दिस कार्ड सेज कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा प्योर है, बहुत ज्यादा डिवाइन है. और यस, रिलेशनशिप जब बहुत ही अच्छा होता है, सी कभी कभी देर आर चांसेस कि आप दोनों साथ में मिलकर कुछ लेवल के लर्निंग्स आप लेना चाहते हैं. यस, आपके कुछ कर्म ऐसे होंगे, आपके कुछ लर्निंग्स ऐसे होंगे कि जो लर्निंग्स यू नो कि ऐसा है कि आपकी लाइफ में पैसे तो जरूर होंगे, लेकिन आपको ऐसे भी कुछ कर्म है आपकी लाइफ में कि लोग आपके सामने आपके पैसे लेकर चले जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे. ओके, यस, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पैसे हैं वो लेकर वो चले जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा दिखा रहा है कार्ड. अब आप कहेंगे अच्छा तो इसका सोल्यूशन क्या है? भाई सोल्यूशन कुछ नहीं है, जो कर्म है उसका तो यू नो भुगतान तो करना ही है, कर्म है उसको भरना तो है ही. ओके, सो यस, देयर इज नो सोल्यूशन. बट यस, आपको अपनी लाइफ में यू नो एक तरह से आप गिफ्टेड है, जहां पर लाइफ पार्टनर के साथ का जो बॉन्डिंग है, लाइफ पार्टनर के साथ का जो ट्यूनिंग है, वो बहुत ही अच्छा वाला आपको मिला है. ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो. आशा करती हूँ यू नो कि ये वीडियो आपको मदद कर पाया. मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ठीक है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए. और यहाँ मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से. तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.